हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। सो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 100 बेस्ट क्वेश्चन विच आई हैव चूज्ड फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको मेनली जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस अगर कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे कि स्टेट जेई है जो अभी रिसेंट में होने वाला है, एसएससी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है जिसका शायद डेट 21 से 25 जनवरी है, और कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम्स अभी लेटेस्ट में आ रहा है। इसके अलावा 8 तारीख को आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम भी है या फिर और कोई भी सिविल टेक्निकल एग्ज़ाम्स, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं और इसमें मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा विथ एक्सप्लेनेशन। पार्ट वन है, पार्ट वन में मैं 50 क्वेश्चन, इसका पार्ट वन है, मैं 50 क्वेश्चन इसमें डील करने की कोशिश करूँगा, पार्ट टू में 50 क्वेश्चन डील करने को करूँगा। एक्सपेक्टेड टाइम मैंने रखा है, ये मैंने रखा है 20 मिनट से 25 मिनट के अंदर आपको मैं 50 क्वेश्चन इसमें दिखाऊंगा। इसका सेकेंड पार्ट आप लोग के रिक्वेस्ट पे और मतलब कि मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, 100 बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगला जो वीडियो डालूँ वो आप मिस ना होने पाए। दोस्तों मेरा नाम है नीतीश प्रकाश और मैं ये पार्ट वन वीडियो लेके आया हूँ, एक्सपेक्टेड टाइम इसका 25 मिनट्स है, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर। इसका आंसर, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशियो आर, इसका आंसर हो जाएगा आपका -1 से 0.5। इसमें हो सकता है कि आपका कन्फ्यूजन हो क्योंकि हमारा जो वैल्यूज़ होता है अगर इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए देखा जाए तो 0 से लेके 0.5 होता है, बट ये इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए है, बट लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है कोई भी मटेरियल का, तो यहाँ पे -1 से 0.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -1 to 0.5। सेकेंड क्वेश्चन, द स्पेसिमैन इन ए चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, चारपी इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग करते हैं, इज सपोर्टेड एज, जो चारपी इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं उसमें हम लोग स्पेसिमैन जो रखते हैं वो किसकी तरह उसमें सपोर्टेड होता है, वो होता है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होता है, कैंटिलीवर बीम नहीं होता है, उसमें फिक्स बीम नहीं होता है, उसको सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एक्ट करते हैं और हमारा इम्पैक्ट उसमें प्रोवाइड करते हैं, इससे हमारा पता चलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा है, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, डक्टिलिटी इसमें से किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो डक्टिलिटी हमारा रॉट आयरन का सबसे ज़्यादा होता है डक्टिलिटी, क्योंकि डक्टिलिटी जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन कंटेंट से, तो कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो डक्टिलिटी घटेगी, डक्टिलिटी अगर कार्बन कंटेंट घटता है तो डक्टिलिटी हमारा बढ़ता है, और अगर कम होता है कार्बन कंटेंट तो हमारा डक्टिलिटी बढ़ जाता है। तो रॉट आयरन में हमारा मिनिमम कार्बन होता है, रॉट आयरन में हमारा मिनिमम कार्बन होता है, इसलिए हमारा इसका डक्टिलिटी हमारा मैक्सिमम होता है। इसके अलावा अगर पिग आयरन देखें तो इसमें हमारा डक्टिलिटी हमारा क्या होगा, इसमें हमारा डक्टिलिटी हमारा मिनिमम होता है क्योंकि पिग आयरन में हमारा कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस फोर्स, सियर फोर्स, फोर्स हो गया इसमें फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन होता है, स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस हमारा हो गया न्यूटन पर एम एम एस स्क्वायर इसका हो जाएगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन हमारा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये हमारा डायमेंशनलेस हो जाता है क्योंकि इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर देखते हैं आप तो जल्दी से बता देता हूँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस को अगर आप इसको हटाएंगे रिमूव करेंगे तो हो जाएगा ये स्ट्रेन, और ये ई हमारा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि स्ट्रेस बटा में स्ट्रेन, स्ट्रेन हमारा हो गया डायमेंशनलेस, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका भी यूनिट हमारा स्ट्रेस के यूनिट यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के यूनिट के बराबर ही होता है, सो ये डायमेंशनलेस नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसका। द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज गिवन एज, तो इसका हो जाएगा आपका, ये रिलेशन बहुत फेमस है आपको ये पता रहना चाहिए, ईच कल टू 2g into 1 plus mu, ईच कल टू 2g इन ब्रैकेट 1 plus mu। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉर द सेम स्पैन ऑफ लोडिंग, सेम स्पैन एंड लोडिंग कंडीशन, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ फिक्स्ड बीम कंपेयर टू अ सिंपली सपोर्टेड वन शैल बी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम स्पैन ऑफ लोडिंग कंडीशन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ फिक्स्ड बीम, तो फिक्स्ड बीम में हमारा क्या होता है बेंडिंग मोमेंट हमारा कम हो जाता है एज कम्पेयर्ड विथ सिंपली सपोर्टेड बीम, इसलिए हमारा फिक्स बीम हमारा ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इज लोअर दैन द सिंपली सपोर्टेड वन। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, फॉर अ बीम कैरिंग अ यूडीएल, फॉर अ बीम कैरिंग अ यूडीएल द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस द बीम इज, तो इन केस इज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको कैंटिलीवर कैरिंग, जब यूडीएल कैरी करता है तो हमारा एनर्जी है स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम हमारा स्टोर होता है कैंटिलीवर के केस में। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर एट, द डिफ्लेक्शन ड्यू टू
couple m, the deflection due to couple m at a free end of a cantilever length l is, so हमारा यहाँ पे हमारा डायरेक्टली फार्मूला है आपको ml square by 2EI, ये हमारा डिफ्लेक्शन हो जाता है ड्यू टू कपल m. सो अगर आप ये सिंपल से मैं जल्दी से आपको फिगर अगर ड्रॉ करूँ तो कपल अगर m आप इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन होगा, इसमें जो है ये कपल m हो गया एट अ डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है, तो हमारा ये जो आएगा हो जाएगा डिफ्लेक्शन एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई. द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बीम ऑफ लेंथ l सब्जेक्टेड टू ए कॉन्स्टेंट बेंडिंग मोमेंट इज, सो नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन का आंसर हो जाएगा हमारा ए एम ए स्क्वायर एल बाई टू ई आई. क्वेश्चन नंबर टेन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ लोडेड सेक्शन ऑफ ए बार पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, सो वॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ लोडेड सेक्शन ऑफ ए बार पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेन, सो हमारा इसका हो जाएगा स्ट्रेन, स्ट्रेन बोलते हैं उसको. क्वेश्चन नंबर 11, द मॉइस्चर कॉन्टेंट, ये हमारा जियोटेक क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड, सॉइल वॉल्यूम बिकम कॉन्स्टेंट. सो ये एटरबर्ग लिमिट का ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ इसमें इस तरह का एक ग्राफ होता है, यहाँ पे एटरबर्ग ने इसको इस तरह से डिवाइड किया था, तो ये हमारा होता है श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट. तो श्रिंकेज लिमिट से जैसी वाटर कॉन्टेंट कम भी होगा आपका तो ये हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट. क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट वेट ऑफ ए कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय, कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल, द यूनिट वेट ऑफ ए कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय ए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है हमारा गामा इजकल टू गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस आर बाई वन प्लस ई, और एस आर तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली सैचुरेटेड है तो वन हो जाएगा, इसके लिए हमारा ये फार्मूला हो जाएगा गामा का, द यूनिट वेट ऑफ ए कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल. क्वेश्चन नंबर 13, क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्ले हमारा क्ले को क्या बोलते हैं, एक्वा क्लूड, एक्वा क्लूड हम लोग बोलते हैं क्ले को, क्ले हमारा वाटर को अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए, एक्वा क्लूड उसको बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है आपका, परमेबिलिटी टॉपिक से, कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज, जो हमारा परमेबिलिटी का कॉफिशियंट है, फॉर्मूला अगर आपको परमेबिलिटी का याद हो तो उसमें हम लेते हैं डी टेन के स्क्वायर जो होता है हमारा, उस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है परमेबिलिटी, सो ये हमारा हो जाएगा कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज डी टेन स्क्वायर. 15, इन अ ट्राई एक्सियल टेस्ट द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज, सो हमारा इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज ये हो जाएगा इक्वल टू कन्फाइनिंग प्रेशर. ट्राइएक्सियल टेस्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें तीन कंडीशन होता है, तीन कंडीशन में हम लोग करते हैं, इसके लिए आप देख लीजिए आराम से. क्वेश्चन नंबर 16, सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, तो यहाँ पे हमारा एजम्पशन है सॉइल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल, पार्टिकल्स सेटल्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्टिकल्स, वॉल्स ऑफ द जार डू नॉट अफेक्ट द सेटलमेंट एंड नन ऑफ द एबव ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ये सारा हम लोग एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं, सेडिमेंटेड एनालिसिस जो करते हैं तो उसमें सारा एजम्पशन मान के चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रोक्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर दैन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर, स्ट्रोक लॉ हमारा कब वैल्यू उसका वैलिडिटी खत्म हो जाती है, जब पार्टिकल का साइज हमारा पार्टिकल का जो साइज है वो 0.0002 mm से कम हो जाता है तो हमारा स्ट्रोक लॉ वैलिड नहीं करता है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, ये तो दोस्तों क्लियर क्वेश्चन है कि क्ले सॉइल में ही लिक्विड लिमिट हमारा है और प्लास्टिक लिमिट ये दोनों एग्जिस्ट करता है क्ले सॉइल में. क्वेश्चन नंबर 19, यू आर गिवन ए सैंपल ऑफ सॉइल कंटेनिंग कोर्स ग्रेन टू डिटरमाइन इट्स वाटर कॉन्टेंट, यू विल यूज, सो आपको सपोज एक सैंपल दिया जाता है सॉइल का जिसमें कोर्स ग्रेन है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसमें जो भी मेथड है वो सब मेथड है, पाइक्नो मेथड है, ओवन ड्राइंग मेथड है, अल्कोहल मेथड है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, तो ये तीन चार मेथड है आप कौन सा यूज करेंगे, तो हम अगर जो मोस्ट प्रेफरेबल मेथड होता है वो पाइक्नोमीटर टेस्ट होता है, पाइक्नोमीटर फ्लास्क होता है, उसमें के द्वारा हम लोग यूज़ करते हैं. अगर ओवन ड्राइंग की बात की जाए तो ओवन ड्राइंग हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ओवन ड्राइंग. कैल्शियम कार्बाइड हमारा क्विकेस्ट मेथड होता है, क्विकेस्ट मेथड सबसे फास्ट रिजल्ट देता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, अल्कोहल मेथड भी होता है. गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 20, अ फ्रेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विच अ डैम सेक्शन बिलो विच दीज देयर आर, फेरेटिक लाइन, फेरेटिंग लाइन के बारे में ये क्वेश्चन है, फेरेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन अ डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है फ्रेटिक लाइन के नीचे हमारा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर.
क्वेश्चन नंबर 21, फिर ये क्वेश्चन 20 फेरेटिक लाइन से ही है, द फेरेटिक लाइन इन एन अर्थ डैम मे बी, तो फेरेटिक लाइन हमारा पैराबोलिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैराबोलिक। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा सॉइल से क्वेश्चन है, विच क्ले इज ऑल्सो नोन एज चाइना क्ले, तो जो चाइना क्ले मोस्टली आप देखते होंगे चाइना क्ले वो हमारा होता है कैलोनाइट, कैलोनाइट कैलोनाइट को ही हम लोग चाइना क्ले बोलते हैं। ये दोस्तों ये इसमें छूट गया है, ये मोंटो मोरिल्लो नाइट है, मोंटो मोरिल्लो नाइट, ये मोंटो मोरिल्लो नाइट एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पड़ने पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है, तो इसको हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं। चाइना क्ले को जब हम लोग पकाते हैं आग में, किल में उसको बर्न करते हैं, तो बिल्कुल एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर इससे बनता है। क्वेश्चन नंबर 23, द जीरो एटमोस्फेरिक प्रेशर इज एट, जीरो एटमोस्फेरिक प्रेशर दोस्तों कहाँ होता है, तो जीरो एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है बोथ सी एंड डी, यानी कि वाटर टेबल एंड फेरेटिक सरफेस। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 24, द फ्लूड जनरली यूज फॉर ग्राउटिंग इज, ग्राउटिंग जिसको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ ग्राउटिंग क्या होता है। एक प्रेशर के थ्रू, एक प्रेशर में पाइप के थ्रू हम लोग इसका छिड़काव करते हैं, एक स्टेबल स्ट्रक्चर जैसे कि इसका बेसिकली अगर टनल बनाते हैं तो उसमें इंटरनल में हम लोग छिड़काव किया जाता है उस तरह से, उसी को ग्राउटिंग कहते हैं। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन, द फ्लूड जनरली यूज फॉर ग्राउटिंग, ग्राउटिंग में कौन सा फ्लूड यूज करते हैं, तो सीमेंट एंड वाटर मिक्स बिल्कुल यूज होता है, क्ले सस्पेंशन ये भी हमारा कहीं कहीं यूज होता है, सोडियम सिलिकेट ये भी यूज होता है, और बिडियम बिटुमन इमल्सन तो ये भी हमारा यूज होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 25, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज एंड कैल्काइट इज रिस्पेक्टिवली, स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ कुछ मटेरियल का बेसिकली एसएससी जेई में पैटर्न है कि वो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्वार्ट्ज का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.65 एंड कैल्काइट का होता है 2.72, सो करेक्ट आंसर इज ए 2.65 एंड 2.72। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर सैंड अगर पूछता है तो 2.65, कभी कभी 2.6 भी ऑप्शन रहता है, तो वो भी आप याद रखें। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हमारा होता है 1। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत जाना माना फॉर्मूला है, वी इक्वल टू 1/n आर स्क्वायर 2/3 एन स्क्वायर 1/2 यानी कि रूट एस, तो ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, चेजी फॉर्मूला है, बेजिंस फॉर्मूला है, कटर्स है, मैनिंग्स है, तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से ये मैनिंग्स का फॉर्मूला है, वी इक्वल टू 1/n आर टू पावर 2/3 एन एस टू पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 27, द पोरोसिटी ऑफ सेडिमेंट्स इन सीवर पाइप इज यूजुअली टेकन, सो पोरोसिटी इन सीवर पाइप्स, सीवर पाइप्स में जो भी हमारा सेडिमेंट्स होता है उसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो हमारा पोरोसिटी उसमें 0.013 होता है, यूजुअली टेकन 0.013 जो भी कैलकुलेशन होता है उसमें हम लोग उसका पोरोसिटी ये कर लेते हैं। फॉर नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी 5 meter per second, नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी दिया हुआ 5 meter per second एंड द टाइप ऑफ सीवर्स जनरली प्रेफर्ड टू, कौन सा हम लोग सीवर्स जनरली प्रेफर करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ग्लेज्ड ब्रिक सीवर्स, जो हमारा ग्लेज्ड ब्रिक का सीवर्स हम लोग वहाँ पे मोस्ट प्रेफर्ड सीवर्स होता है। सीमेंट कंक्रीट, क्वेश्चन नंबर 29, सीमेंट कंक्रीट सीवर्स आर ओनली सुटेबल इफ नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी इज बिटवीन, सो ये क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 से 3.0। सीमेंट कंक्रीट सीवर्स आप देख रहे होंगे इसका पैटर्न आप ऑब्जर्व करें, एसएससी जेई है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको इस तरह का डाटा भाग आप नहीं सकते हैं, इस तरह के डाटा से आप भाग नहीं सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा, तो बेसिकली आप एक इस तरह का नोट्स रखें जिसमें आप डाटा बेस्ड क्वेश्चन जो भी है इस तरह क्वेश्चन आप उसमें लिखें। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूम स्टील पाइप्स आर, स्टील पाइप्स आरसीसी पाइप, स्टील सेल्स कोटेड विथ इनसाइड विथ सीमेंट मोर्टार और ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ हमारा हो जाएगा द करेक्ट आंसर इज ई बोथ सी एंड डी, सी एंड डी, तो स्टील एक सेल होता है, या तो उसके बाहर आप सीमेंट कंक्रीट सीमेंट मोर्टार का एक पेस्ट हो और या तो अंदर हो तो या दोनों हो, उन दोनों को हम लोग बोलते हैं ह्यूम स्टील पाइप, उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, स्टोन वेयर सीवर्स आर अवेलेबल इन द साइज, तो 10 का भी आता है, 15 का आता है, 20 का भी आता है, 25 का भी आता है, बेसिकली लेस देन 40 मैंने सुना है कि लेस देन 40 डाया इसका आता है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन था स्टोन वेयर सीवर्स, सीवर से क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आता है, आप देख ही सकते हैं। एक और क्वेश्चन था यहाँ पे द पोरोसिटी ऑफ सेडिमेंट्स 0.013, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 अगर देखा जाए,
द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यू नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन. स्लज डाइजेशन हम लोग करते हैं जो फाइनली डिकम्पोज करने के लिए, हमारा वॉल्यूम कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए. तो जो पहला प्रोसेस होता है वो डाइजेशन का, वो होता है एसिड फर्मेंटेशन. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है यह हमारा जी इससे वेस्ट वाटर से. सो एसिड फर्मेंटेशन हमारा प्रोसेस होता है उसमें. क्वेश्चन नंबर 33, द कोगुलेंट्स विच इज जनरली नॉट यूज फॉर ट्रीटिंग द सीवेज इज. नॉट यूज फॉर ट्रीटिंग द सीवेज एंड यहाँ पे वर्ड भी है जनरली. आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है. सो एलम इज कोगुलेंट, हमारा एलम होता है, एलम बहुत अच्छा कोगुलेंट है, बट इसको हम लोग जनरली नहीं यूज करते हैं, ये जनरली घर पे यूज करते हैं. तो हमारा ये आंसर हो जाएगा इसका ए, एलम. एलम इज नॉट जनरली यूज एज ट्रीटिंग द सीवेज. हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड को. सो फेरिक क्लोराइड को हम लोग यूज करते हैं. ये भी पॉइंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर सकते हैं. 34, द रेशनल फार्मूला फॉर पीक डिस्चार्ज वाज इवॉल्व बाय. पीक डिस्चार्ज ये भी हमारा सीवर से है, पीक डिस्चार्ज का फार्मूला, रेशनल फार्मूला किसने इवॉल्व किया था. तो फ्रॉलिंग का भी हमारा फार्मूला है, लेलॉर्ड का भी है, कुशलिंग का भी है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द स्टैंडर्ड 5-डे बीओडी इज 20 डिग्री व्हेन कंपेयर टू अल्टीमेट बीओडी इज अबाउट. कितना परसेंट होता है हमारा जो बीओडी अल्टीमेट होता है, बीओडी अल्टीमेट जितना भी है बीओडी अल्टीमेट और बीओडी 5 डेज. तो जो 5 डेज बीओडी है लगभग उसका 68% अल्टीमेट का 68% हम लोग 5-डे बीओडीज में हमारा होता है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लगभग 68% हमारा होता है. सो आंसर हो जाएगा 68%. 36, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है. डीनेचर्ड अल्कोहल इज, ये हमारा एक आपको याद रखना होगा कि अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट कॉन्टेंस पॉइजनस सब्सटेंस. ये हमारा डीनेचर्ड अल्कोहल पॉइजनस होता है, इसको आप कभी ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, ये पॉइजनस होता है, आपको हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है. क्वेश्चन नंबर 37, फेनोलिक्स एड पोल्यूटेंट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर बाय द यूज ऑफ. सो फेनोलिक्स हमारा पोल्यूटेंट्स है जो कि हमारे वाटर में मिल जाता है, उसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं. तो हमारा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड से हम लोग फेनोलिक्स को रिमूव कर सकते हैं. इसी तरह हार्डनेस कैसे रिमूव करना है, और भी अलग अलग मेथड्स है, जो भी आपको ये सब मेथड आपको याद रखने हैं. ये क्वेश्चन इस तरह का आता है, जनरली फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है SSJEE में. क्वेश्चन नंबर 38 एक अच्छा क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन. सो स्टेबिलिटी यानी कि जो पॉन्ड है उसका इकोसिस्टम कैसे स्टेबल होता है, यानी कि वो कैसे सर्वाइव करता है, उसका वाटर एक पीरियड के बाद गंदा होता है, साफ होता है, अपने आप होता है. तो ये सब चलते रहता है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के हेल्प से. प्रोड्यूसर जो होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं, उनके हेल्प से हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है. सो क्वेश्चन नंबर 38 आप मार्क कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 39, द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर RCC कंस्ट्रक्शन इज लिमिटेड टू. RCC से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं आपको एक अच्छे से नोट्स बना के उसमें लिखना है. RCC हमारा अगर देखा जाए तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो हम लोग प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारा 20 mm होता है. इससे बड़ा साइज हम लोग जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करते हैं. तो आंसर इज 20 mm. क्वेश्चन नंबर 40, द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीटिंग. अगर कंक्रीट हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, उसके लिए कंक्रीट बना रहे हैं, और उसके जो वाटर है उसमें ऑयल प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा ऑयल का, क्या वो स्मूथ सरफेस देगा. बहुत लोगों को लग सकता है कि ऑयल है तो स्मूथ सरफेस दे सकता है. गिव मोर स्लम, बिल्कुल गिव मोर स्लम तो देना ही चाहिए, क्योंकि ऑयल हमारा क्या करेगा कि बढ़ा सकता है. इम्प्रूव स्ट्रेंथ आपको लग सकता है कि स्ट्रेंथ शायद इम्प्रूव हो जाए क्योंकि वर्केबिलिटी बढ़ाए, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एवब, क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो हमारा स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा. तो हम लोग यहाँ पे आंसर को चूज जो करेंगे वो है नन ऑफ द एवब. क्वेश्चन नंबर 41, द वोलाटाइल डाइल्यूटेंट एडेड टू ए पेंट इज नोन एज. पेंट में जो हम लोग वोलाटाइल डाइल्यूटेंट यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थिनर. पिगमेंट क्या होता है, जो कलर प्रोवाइड करता है उसको पिगमेंट बोलते हैं. ड्रायर जो कि ड्राई करने में, जल्दी से सूखने में जो हमारा है उसको हेल्प करता है, उसको ड्रायर बोलते हैं. डिस्टेम्पर तो एक पेंट टाइप का हो गया, जो डिस्टेम्पर हम लोग घर में यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 42, स्टेनलेस स्टील रजिस्ट कोरोजन ड्यू टू. स्टेनलेस स्टील हमारा जो है वो कोरोजन नहीं होता, उसमें रस्ट नहीं फॉर्म होता है. वाई, क्यों ऐसा होता है कि स्टील में रस्ट होता है और स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं होता है, माइल्ड स्टील में हमारा रस्ट पकड़ लेता है. तो माइल्ड स्टील को स्टेनलेस स्टील में बदलने के लिए स्टेनलेस स्टील में हम लोग ऐड करते हैं क्रोमियम को. क्रोमियम कंपाउंड है जो कि स्टेनलेस स्टील में होता है और वही उसको प्रोवाइड प्रोटेक्ट करता है, रस्ट नहीं लगने देता है, उस पर कोरोजन नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 43, फॉर ए गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन, फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर दैन. तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी गुड बिल्डिंग स्टोन का 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 44,
क्वेश्चन 44, द हारमोनियस मिक्सचर ऑफ क्ले इंग्रेडिएंट्स इज नोन एज, हारमोनियस मिक्सचर ऑफ क्ले, जो हम ब्रिक्स यूज बनाते हैं उसमें क्ले का जो मिक्सचर है उसको अच्छे से पहले मिलाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडिंग. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी. सो क्वेश्चन 44 का हो जाएगा बी, ब्लेंडिंग. द फोर्थ बियरिंग ऑफ लाइन इज नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन इज, ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से. नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट है. द फोर्थ बियरिंग ऑफ ए लाइन इज, फोर्थ बियरिंग यानी कि अगर ये हमारा अगर कार्टिजन प्लेन देखे तो नॉर्थ हो गया, और फोर्थ बियरिंग ऑफ लाइन अगर देखा जाए तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट. द बैक बियरिंग इसका पूछ रहा है कि बैक बियरिंग क्या होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा इसको मिल जाएगा साउथ 30 डिग्री वेस्ट, हमारे साउथ 30 डिग्री वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद. क्वेश्चन नंबर 46, एंड एनालिटिक लेंस इज प्रोवाइडेड इन, हमारा होता है टैक्योमीटर में हम लोग एनालिटिक लेंस को प्रोवाइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 47, सबटेंस टैकोमेट्री इज गिवेन, ग्राउंड इज, हमारा कब हम लोग सबटेंस टैकोमेट्री को कब प्रेफर करेंगे, ग्राउंड का कंडीशन क्या होगा. तो सबटेंस टैकोमेट्री हम लोग प्रोवाइड करते हैं जब हमारा जो ग्राउंड है वो अनड्यूलेटिंग होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. 48, अ क्लिनोमीटर इज यूज्ड फॉर, क्लिनोमीटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो क्लिनोमीटर हम लोग यूज करते हैं मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप. सो द आंसर इज ए, मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप क्लिनोमीटर हम लोग यूज करते हैं. सर्विंग का छोटा छोटा है जैसे कि और भी होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो हम लोग 90 डिग्री प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. इसी तरह का और भी है, प्रिज्म है, आप उसमें देख लीजिएगा, बहुत अच्छा इससे आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ऑप्टिकल स्क्वायर मैंने बताया, इसको यूज करते हैं. 49, द स्केल प्लेट ऑफ ए थेडोलाइट इज, द स्केल प्लेट ऑफ ए थेडोलाइट इज, हमारा जो स्केल प्लेट होता है वो हमारा होता है द लोअर स्केल प्लेट, हमारा होता है द लोअर प्लेट. थेडोलाइट का कौन कौन सा कंपोनेंट है, अपर स्क्रू, लोअर स्क्रू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं. नंबर ऑफ सेटेलाइट, द लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेटेलाइट इन्वॉल्व इन ऑर्बिट फॉर अ GPS सर्वे इज, सबको हो सकता है पता हो 24 हमारा नंबर ऑफ सेटेलाइट्स रिक्वायर्ड होता है हमारा GPS के लिए, कोई भी बॉडी को लोकेट करने के लिए मैक्सिमम हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 24 सेटेलाइट हो तो. सो फ्रेंड्स, ये था अभी 50 क्वेश्चन, मैंने जल्दी से जल्दी इसको डील करने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम बचे. और आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, ये क्वेश्चन नंबर 51 से 54 तक आपको इसके आंसर खोज के कमेंट में कमेंट करना है. 51 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये कमेंट करना है और आपको बताना है कि इस लेक्चर में मैं और क्या सुधार करूं, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको ये भी नीचे आप चाहे तो इसमें कमेंट कर सकते हैं. बट आप कमेंट करें या ना करें, इस चारों क्वेश्चन का आंसर आप एक्सप्लेनेशन के साथ करने की कोशिश करें, इससे एक आपका डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन यहाँ बिल्ट होगा. और इसी तरह के मैं रेगुलर बैक टू बैक मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि इसका जो पार्ट टू है वो जल्द से जल्द लाऊं. और इसके अलावा जो मेरा 21 क्वेश्चन का सीरीज है आप जरूर देखें एक बार पूरा से, 21 क्वेश्चन मैं डील करूंगा हर एक टॉपिक उठा के, और उसमें मैंने बिल्डिंग मटेरियल का ऑलरेडी पार्ट वन टॉपिक हमने डील किया हुआ है, और भी मैं दूसरा वीडियो इन प्रोसेस में है, मैं बना रहा हूं और जल्द से जल्द आपकी कोशिश करूंगा कि वो SSC JEE से पहले जितने भी वीडियोज़ हैं मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो SSC JEE से पहले मैं लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम में कुछ हेल्प हो पाए. फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. सो आप अगर अंत तक ये वीडियो देखे तो, इसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने एक और चैनल के बारे में. ये तो हमारा चैनल है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, इसको तो आप सब्सक्राइब करें ही अगर आप सिविल के हैं तो. इसके अलावा आप मेरा एक और चैनल देख सकते हैं जिसका नाम है द रैंडम नेशन, और आप जरूर एक बार चाहूँगा कि आप इस चैनल को विजिट करें, इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ. सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.